सैनिकों की धरती झज्जर में जन्मे अमन सहरावत ने देश को ओलंपिक रेसलिंग में खाली हाथ नहीं रहने दिया। उन्होंने शुक्रवार देर रात 57 किलोग्राम कैटेगरी में एक तरफा दबदबा दिखाया और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। अमन ने प्यूर्टो रिको के डर्लिन तुई क्रूज को 13-5 से करारी शिकस्त दे डाली। महज 21 साल और 24 दिन के अमन भारत को ओलंपिक मेडल दिलाने वाले सबसे युवा एथलीट बन गए हैं। उनसे पहले पीवी सिंधु ने साल 2016 ओलंपिक में 21 साल 1 महीने और 14 दिन की उम्र में सिल्वर मेडल जीता था। सेमीफाइनल हारने की वजह से अमन को ये ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलना पड़ा था। यहां उनका सामना प्यूर्टो रिको के डरियन टोई क्रूज से हुआ। अमन ने पहला राउंड खत्म होने के बाद 6-3 की बढ़त बनाए रखी। वो विपक्षी रेसलर को थकाते नजर आए। दूसरे राउंड में भी अमन ने अपना दबदबा कायम रखा। फुल टाइम खत्म होने के बाद उन्होंने 13-15 के स्कोर के साथ ये मैच जीत लिया। ब्रॉन्ज मेडल जीतते ही अमन ने अपना एक हाथ हवा में लहराया। वहीं पोर्टो रिको के रेसलर मैट पर हाथ जोड़े बैठे नजर आए। मैच के दौरान अमन की नाक इंजर्ड हो गई। उनकी नाक से खून निकलने लगा, लेकिन उन्होंने मैच खेला और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अमन ने अपने कोच से तिरंगा लिया और उसे पीठ पर ओढ़कर दौड़ने लगे। उनके चेहरे पर मेडल जीतने की खुशी साफ नजर आ रही थी। मैच जीतने के बाद अमन ने कहा कि ये मेडल मेरे माता पिता और देश को समर्पित है। अमन सहरावत के साथ उज्बेकिस्तान के गुलाम जोन अब्दुल्ला ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोनों को एक साथ मेडल पहनाया गया। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत का ये छठा मेडल है। इससे पहले जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने एकमात्र सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला है, जबकि 2 ब्रॉन्ज मेडल शूटर मनु भाकर ने, 1 ब्रॉन्ज मेडल शूटर स्वप्निल कुसाले ने और 1 ब्रॉन्ज मेडल मेंस हॉकी टीम ने जितवाया है। भारत के खाते में अभी तक एक भी स्वर्ण पदक नहीं आया है। मेडल टैली की बात करें तो भारत फिलहाल 69वें नंबर पर है। यूनाइटेड स्टेट्स 33 गोल्ड मेडल के साथ एक नंबर पर काबिज है, जबकि 33 गोल्ड मेडल के साथ ही चाइना दूसरे नंबर पर है। 18 गोल्ड मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर काबिज है। अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत के बाद क्या कुछ बात कही, किस तरह से उन्होंने अपनी जीत का आकलन किया, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। आज बहुत बढ़िया लग रहा है, तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा के 3-4 दिन तो मन भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीत लिया आखिर में ओलंपिक में। यहाँ पर हम आपको जैसे बता रहे हैं कि ये जो आपने जो पहली बाउट जीती थी वो 10-0 की टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीती, अगली 12-0 से जीती, तीसरे भले आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो आपने जो ब्रॉन्ज मेडल बाउट जो लड़ा अपना उसमें भी आप 13-5 की बहुत ही अच्छी बढ़त से आपने ये जीता, तो क्या आपके सामने जितने भी एक ऑपोनेंट को हटा दिया जाए तो आपके सामने जितने भी थे कोई आपके सामने टिके नहीं आया था, क्या था आपके गेम में, आपने ऐसे क्या रणनीति बनाई थी कि ये इतना अच्छा प्रदर्शन निकला? बस यही सोच के आए थे भाई भाई पहले तो 2-4 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमी फाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर से ले गई, इतना बड़े कंपटीशन में तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लूं, भी ओलंपिक में ऐसे देखो सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूं क्या, मैं समझ में नहीं आया क्या करूं। बिल्कुल, लेकिन हम ये सुन रहे हैं कि ये मेडल पहनने के बावजूद भी आपके अंदर खुशी नहीं है, आप बिल्कुल स्वर्ण पदक की ही उम्मीद लगाए बैठे थे, ऐसा नहीं है? ऐसी कोई उम्मीद तो लगाए बैठे थे, खुशी तो है पर अंदर से है बहुत। यहाँ पर मेरे को ये बताइए कि आप जो इतना मेहनत किए हैं, लेकिन आने से पहले एक ही बात हो रही थी कि यार पुरुष पहलवान सिर्फ एक ही है, हर बार कम से कम 4-5-6 तो ये अंदर थोड़ा सा प्रेशर था कि एकमात्र मैं ही हूँ पुरुष पहलवान भारत की तरफ से, ये अंदर कहीं भी था, चल रहा था दिमाग में? ये चल रहा था, मतलब वो प्रेशर भी था भाई, हाँ एक लग मेरे मन में 2-3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लिए भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। बिल्कुल, और ये जो आपने मेडल जीता है देश के लिए ये आप किसको समर्पित करना चाहेंगे, और उस लम्हे को भी एक बार बताइए, आप पहली बार ओलंपिक के स्टेज पे भारत के पोडियम पे चढ़े और तिरंगा ऊपर जा रहा था, उस लम्हे को थोड़ा अपने शब्दों में बयां करें। उस लम्हे शब्द में तो बयान नहीं कर सकता, मतलब समझ गए आप उस जगह पर खड़े होते आप खुद महसूस करके देख लो कैसा लग रहा होगा अपने। और यहाँ से
अब आप अपना अगला लक्ष्य क्या बनाते हैं? यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स हैं। तो ये बात भी आप जरा बता दीजिए कि आप जितना अच्छा खेले, आप खाते क्या है? लोग ये बोल रहे हैं कि कभी अमन सहरावत को हमने खाते पीते नहीं देखा, कभी उसको देखा ऐसा। आप क्या आपका डाइट है, क्या है? ना, डाइट तो वे नॉर्मल ही है, बादाम, ये रोटी खाली, वहाँ पर सेब, अनार, सप्लीमेंट है, प्रोटीन वोटीन यही बस।